प्रिया राय जेएनआई न्यूज की रिपोर्टर एंड एंकर जेएनआई जो कि सच्चाई के लिए लड़ता है और इंसाफ दिला के मानता है। जनता के लिए लड़ूंगा, इंसाफ के लिए लड़ूंगा, क्योंकि जनता की ही आवाज है मेरी पहचान। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर, जेएनआई न्यूज चैनल एंकर एंड मैनेजर। मनोज कुमार यादव, क्राइम ब्यूरो उत्तर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज, मैं हूं अजय श्रीवास्तव। आज हम जौनपुर जिले के सुजानगंज में बैठे हुए हैं सपा के सच्चे एवं समर्पित सिपाही एवं जिला कार्यकारिणी के सदस्य शिव प्रकाश विश्वकर्मा जी के पास बैठे हुए हैं। अच्छे समाज सेवी भी हैं, गरीबों का सुख दुख हरने की कोशिश करते हैं। आइए पहला सवाल उनसे जानते हैं कि मुगराबाद शाहपुर में 27 में फिर साइकिल दौड़ेगी कि कोई और आएगा। नमस्कार शिव प्रकाश विश्वकर्मा जी, आप मेरे चैनल को बताने का कष्ट करें कि 27 में फिर साइकिल दौड़ेगी कि कोई और आएगा। सबसे पहले आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है कि 2027 में समाजवादी पार्टी मुगरा विधानसभा में, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि 2027 में समाजवादी पार्टी यहां फिर से साइकिल दौड़ेगी और 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है हम लोगों को कि हम लोग जिस तरह से 22 में मेहनत किए थे, ठीक उससे भी ज़्यादा मेहनत करके हम लोग 2027 में मुगरा विधानसभा में फिर समाजवादी पार्टी का विधायक यहाँ होगा। आप मुगराबाद शाहपुर विधानसभा में रोज 4-4 घंटे जाम झेलते हैं लोग, मुगराबाद शाहपुर के ओवर ब्रिज पे आपके पार्टी का विधायक है, क्या कुछ कर रहे हैं इस पे आप जरा बताएं। देखिए, ये ओवर ब्रिज की बात है, कई बार ऐसा सुनने में आया है कि ब्रिज पास हुआ, फिर उसके बाद कैंसिल हुआ, फिर वहाँ से नौवा डाड़ी से लेकर बाईपास का काम शुरू हुआ, लेकिन ये सब जो है ये केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आता है। विधायक स्टेट लेवल के होते हैं और विधायक की सिफारिश उसमें काम कर रही है, और जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है कि बहुत जल्द ही ओवर ब्रिज बाईपास जो है बनना शुरू हो जाएगा। जमीन भी चिन्हित कर ली गई है, अब बस लोगों को अब जो सरकारी प्रोसेस होता है उसके हिसाब से अब सरकारी कामकाज बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत जल्द ही मुगराबाद शाहपुर वासियों को जाम से निजात मिल पाएगा। एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं, आप यहीं प्रयागराज और प्रतापगढ़ देख लीजिए, गांव की भी सड़कें चकाचक हैं, अपने यहाँ रास्ते की कितनी दिक्कत है, इस पे क्यों किसी का निगाह नहीं जा रहा है? अपने यहाँ रास्ते की बहुत दिक्कत तो नहीं है, यहाँ कई जनप्रतिनिधि हैं और काम भी अच्छा हो रहा है, काफ़ी सड़क वड़क भी बन रही है, रास्ते का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और गांव की कुछ लिंक सड़कें हैं जो टूटी फूटी हुई हैं, नए विधायक की तरफ से प्रस्ताव गया हुआ है, बहुत जल्द ही उसको पूर्ण किया जाएगा। धर्मपुर से लेके फत्तूपुर तक की सड़क आपने देखा है? धर्मपुर से फत्तूपुर की सड़क तो अभी बन गई है, अभी जो है उस पर काम, छोटा मोटा जो मरम्मत का कार्य था वो पूरा हुआ है, और बहुत जल्दी आगे का जो होगा प्रोसेस उसको पूर्ण कर दिया जाएगा। नहीं, आप कहें कि सड़कें सारी बन गई हैं, उस पर हम कह रहे हैं कि आप डेली एक रास्ते पे जाते हैं, बेरमाव से लेके सुरजापुरा तक की सड़क की क्या स्थिति है? मधुपुर से लेकर बेरमाव तक ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है, हमने खुद माननीय सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी को लिख के दे दिया है, बहुत जल्द ही इसकी मरम्मत हो जाएगी। और जो आप सैदानी से लेकर के सुरजा के पूरा का मार्ग दिए, हम लोगों ने उसको भी दिया है लिखित रूप से सांसद जी को, बहुत जल्द ही ये सब सड़कें बन करके तैयार हो। सुजानगंज ब्राह्मण और पटेल बाहुल एरिया है और इसमें आप समाज सेवा का बीड़ा उठाए हैं, कैसे कर पाते हैं? देखिए, हम लोग तो पहली बात तो समाजवादी हैं, जो सच्चा समाजवादी है वो जातिवादी नहीं होता, और जो जातिवादी है वो समाजवादी नहीं होता।
हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कब निगाह किसके ऊपर घूम जाएगी ये कहीं कहां नहीं जा सकता। और राजनीति में हम लोग सेवा भाव की तरफ से आए हैं, ना तो हम सांसद विधायक बनने आए हैं, हम लोग राजनीति एक सेवा की तरह करते हैं, गरीबों की सेवा भाव, जो गरीबों की मदद होती है हम लोग उसमें जाते हैं आते हैं, सबके दुख सुख में शामिल होते हैं, लोगों से मिलना जुलना है। विधायक सांसद बनना ये भाग्य की बात होती है, जब जिसका जिस दिन राजयोग आ जाएगा वो विधायक सांसद बनने से उसको कोई रोक भी नहीं सकता। एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी पार्टी अपने यहाँ नहर की पटरियाँ सारी टूटी पड़ी हुई हैं, इस पे क्योंकि हमारा विधायक तो यहाँ का विधायक सपा से है, तो हम आपसे ही सवाल करेंगे सपा से ही कि सारी नहर की पटरियाँ टूटी हैं, इस पे क्या कुछ चल रहा है? नहर की पटरियाँ जो टूटी हैं वो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है, और इस पे तो अभी हम लोगों ने कभी आपने अभी याद दिलाया है, इस विषय पर हम लोग देखेंगे और जो कुछ भी होगा माननीय विधायक जी से और माननीय सांसद जी से कह करके इस कार्य को पूरा किया जाएगा। शिव प्रकाश विक्रमा जी नेक ही सज्जन आदमी हैं, काफी सामाजिक आदमी हैं। अभी हमने शिव प्रकाश जी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मुगरा पटेल और ब्राह्मण बाहुल एरिया है, इसमें आप कैसे समाज सेवा कर पाते हैं? ये पटेल और ब्राह्मण बाहुल इलाका जो है आप जानते ही हैं, हमारे इस हिसाब से ना तो ये पटेल बाहुल इलाका है ना तो ब्राह्मण बाहुल इलाका है, सारे समीकरण है। आपको मैं बता दूं यहीं से सबसे पहले ओबीसी का कोई विधायक हुआ तो थी माननीय श्री राजनारायण जी, उसके बाद श्री उमा शंकर यादव जी विधायक हुए पिछड़ी जात से आते थे, उसके बाद लाल बहादुर यादव जी विधायक हुए पिछड़ी जात से थे, फिर उसके बाद सुषमा पटेल जी विधायक हुए पिछड़ी जात से थे, फिर पंकज पटेल जी विधायक हुए तो पिछड़ी जात से हुए, तो ब्राह्मण बाहुल इलाका ये नहीं है। हाँ, बालामऊ से शुरू सुजानगंज जो है आदि ब्लॉक जो है ब्राह्मण बाहुल है, बाकी विधानसभा में आज तक तो सही जाति आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, तो जो जिस जात बिरादरी का है वह अपना 50,000-60,000 गिना देता है, सही सही आंकड़ा एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक ना तो सरकार के पास है तो ना तो किसी राजनीतिक दल के पास। बहुत कुछ विश्वकर्मा जी ने बताया, और सबसे बड़ी चीज किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था नहर की पटरियों का, जबकि प्रतापगढ़ इलाहाबाद में आने जाने का मुख्य मार्ग के रूप में अब यूज कर रहे हैं लोग नहर की पटरियों को, इस पे इनका ध्यान गया है, और हमें उम्मीद है कि अपने विधायक और सांसद से इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, मैं अजय श्रीवास्तव अपने सहयोगी होरीलाल प्रजापति के साथ।